सर मतलब क्योंकि आप एक शिव भक्त हो आई फील कि इस पॉडकास्ट पर बहुत सारे अलग अलग इंडियन कल्चर के गॉड्स के बारे में बातें हो चुकी है शिव जी पर इतनी बातें नहीं हो हु, इस पॉडकास्ट तो आपने क्या सीखा है उस एनर्जी या उस इंसान या उस गॉड के बारे में कि आ, उनकी प्रार्थना कब करनी चाहिए क्यों करनी चाहिए उनका सिग्निफिकेंस क्या होता है और आ, उनका रोल क्या है इस दुनिया में इस माया में देखो मैं तो ये फील करता हूँ कि शिवा बिकॉज ये प्रश्न मुझे पूछा गया है तो मैं आ, मेरे एक्सपीरियंस से कहना चाहता हूँ कि इट हैज़ इन्फ्यूज मी अंदर मुझे बहुत एक करेजस एटीट्यूड uh, uh, मेरे अंदर डेवलप हुआ है मैन ऐसे करेज नॉट फूलिशली करेज मतलब कुछ भी करो ऐसा नहीं एक स्पिरिचुअलिटी तो अवेकन हुई है बट शिवा है, उनका रिप्रेजेंटेशन मैं समझता हूँ इज फियरलेसनेस जैसे वो फ्रीली तांडव करते हैं द अदर एस्पेक्ट इज शिवा भी है पार्वती भी है सो ही आई टू लोकेटेड एज की यू नो इफ आई मैरिड विच आई एम सो देर इज अ कम्युनियन विद द पार्टनर राइट तो दो ही इज अ योगी ही इज स्टिल प्लेइंग अ रोल ऑफ अ हस्बेंड टू पार्वती वैसे द वे आई लोकेटेड शिवा ऐसे हैं जो वहां जाके मेडिटेट करते हैं तो मैंने ये सीखा है कि शिवा इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एटीट्यूड एक ऐसा एटीट्यूड जो रोबस्ट है मेडिटेट भी करते हैं अगर उनका तीसरा उनकी तीसरी आंख खुल गई तो ही कैन इवन डिस्ट्रॉय ही कैन इवन क्रिएट ही कैन इवन सस्टेन बट द बेस्ट पार्ट अबाउट शिवा इज हिज एटीट्यूड टू एंजॉय द लाइफ एज इट इज खुश हो गए तो डांस भी करेंगे राइट hmm. right? um, उनको अगर स्पिरिचुअल एडवांसमेंट करना है तो ऐसे मेडिटेट करेंगे कि कोई उनको जगा भी नहीं सकता है इफ यू सी द स्टोरीज यू रीड अबाउट दैट इज वेल पर्सनली आई उन्होंने मुझे बहुत एनर्जाइज किया टू बिकम स्पिरिचुअली मोर एडवांस्ड आई एम नॉट एट एडवांस मैं प्रोसेस में हूं uh, मेरा जो कुछ करता हूँ गुरु के आशीर्वाद से उन्होंने जो इनिशियट किया लेकिन स्पिरिचुअल uh, एडवांसमेंट मैं शिव जी से मैंने सीखा है एंड ही रिप्रेजेंट्स टू मी अ लॉट ऑफ अगर डायनामिक ना हो तो ड्राई हो जाता है जो हो ना तो ज्यादा चलता नहीं है यू नीड द जूस यू नीड टू बी लाइवली एंड अ लाइवली एंटिटी और एक लेवल पे देखा तो इतने लाइवली है कि वो कैलाश में भी रहते हैं और अलग अलग प्लैनेट्स में भी जाते mm. हैं तो मेरा कुछ अलग वॉप्ड थॉट है बट आई बिलीव इन दैट दैट ही ट्रैवल्स जैसे यहां के जो योगीज हैं वो ट्रैवल करते हैं ना इस मठ जाएंगे दूसरे मठ में जाएंगे प्रचार करेंगे सो एट अ डिफरेंट लेवल दीज हायर बींग्स ट्रैवल दे ट्रैवल टू डिफरेंट प्लेसेस ऑन अर्थ इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड एंड दैट इज वॉट आई सी इन लॉर्ड शिवा वैसे देखा तो हर जो हम भगवान कहते हैं दे आर ऑल Uh, you know, the representation of a very high force. Hmm. Jo unko, ha, hmm. The super consciousness. शिवा मतलब वो रेडिएंट इवन उनके जो स्तोत्र होते हैं ना उनके बारे में वो भी रेडिएंट होते हैं जैसे जटा कटा भ्रमन भ्रमन पावके किशोर चंद्र शेखरे रिप्रतीक्षण मम ओम ऐसे जो एक उसमें जो दम होता है दैट इज शिवासो इन फैक्ट में मेरे दोस्तों को जो यंगस्टर्स हैं हु आर स्पिरिचुअली एक डिजायर है उनमें आई ऑलवेज से दैट थोड़ा शिव तत्व को अंदर लेके जाओ बिकॉज इट विल मेक यू मोर रोबस्ट इन योर पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ ऐसे नहीं कि आई एम स्ट्रेस्ट आउट या <laughs> महीने का पगार तो है एक डेढ़ लाख तो है लेकिन स्ट्रेस हो गया यार ए नहीं यार वेन यू से जटा कट अभी कोई बोले जटा कटा नहीं तो वेन यू स्टार्ट रिसाइटिंग स्त्रोत्र एंड रिमेंबरिंग शिवा तो एक रूबसनेस आता है वट इज द पॉइंट रणवीर हम काफी पैसे कमाए लेकिन उसमें कुछ अपने जीवन में दम ही नहीं है mm. कुछ करने का गया नाइन टू फाइव यू अर्न योर मनी बट मनी कान गिव यू दैट जॉय विच आई बिलीव यू नो द शिव तत्व कैन गिव यू